मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में लगातार प्रयासरत हैं। प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना मनोहर सरकार का लक्ष्य है और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार किसानों के हित में फैसले लेकर उन्हें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने में मदद कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को मिल रही सब्सिडी और योजनाओं के लाभ से ही आज हरियाणा का किसान प्रगतिशील बन रहा है। हरियाणा का किसान आज कम लागत में अधिक मुनाफा कमाकर विकास की राह पर अग्रसर है। बागवानी विभाग के सहयोग से आज किसान को खेती के अलग अलग गुण सीखने को मिल रहे हैं। प्रदेश का किसान ये समझ रहा है कि किस तरह वो रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती से लाभ कमा सकता है। किसान फसलों को रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान को ध्यान में रखकर जैविक खेती का रुख कर रहे हैं। ऐसे एक किसान है पलवल जिले के कुलदीप रावत, जो पिछले 2 साल से अपने खेतों में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। वो बताते हैं कि जैविक खेती में खर्चा कम आता है, क्योंकि इस तरह की खेती में किसान को रासायनिक पदार्थ पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने घर में ही प्राकृतिक तरीके से कीटनाशक तैयार करते हैं, जिससे उनकी फसल भी अच्छी और स्वस्थ रहती है। वो बताते हैं कि उनकी कोशिश है कि प्राकृतिक खेती कर वो हर घर में केमिकल रहित फसल पहुंचाए। मेरा नाम कुलदीप रावत है, मैं गांव खिरवी से हूं। मेरे पिताजी एक मध्य वर्गीय किसान है और हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं। अपने जो भी हम खेती करते हैं उसमें हम रासायनिकों का यूज नहीं करते, जितना भी हम करते हैं जैविक डालते हैं। इससे ये होता है कि हम अपने आप को तो अच्छा दे रहे हैं, लेकिन दूसरों के स्वास्थ्य के बारे में भी सोच रहे हैं, जिससे ये हमें अपने दिल से खुशी मिलती है कि हम दूसरों को अच्छा खाना दे रहे हैं। किसान कुलदीप प्राकृतिक खेती करने के तरीके के बारे में भी बताते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह से वो बिना रासायनिक पदार्थ के जैविक खेती करते हैं। प्राकृतिक खेती में रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। इसके साथ ही बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। जैविक खाद का उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है। हम जैविक इस प्रकार प्राकृतिक खेती जो इस प्रकार करते हैं कि हम जैसे पहले हम करते हैं बीज अमृत से बीज उपचार करते हैं, कि 150 लीटर पानी में देसी गाय का मूत्र 5 लीटर और 5 किलो देसी गाय का गोबर, उससे हम उसको इकट्ठा करके रात को रख देते हैं। सुबह बीज में मिला के उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं, फिर उसकी बिजाई करते हैं। उसके बाद हम बिजाई करने के 1 महीने बाद जैसे ही पहला पानी देना होता है, जिसको हम भूड़ बोलते हैं, तो हम पहले पानी बाद जो भूड़ के बाद हम करते हैं उसमें स्प्रे, वो हम करते हैं जीवामृत की, जिससे जीवामृत हम यूरिया ना डाल के हम उसमें जीवामृत की स्प्रे करते हैं। और पानी के द्वारा जैसे ही हम बोर से पानी चलाते हैं तो उसमें पानी के थ्रू भी उसको जीवामृत को फैलाते हैं खेत में, जिससे हमारी जो हमारी गेहूं की फसल है, कोई भी फसल है, बहुत ज्यादा मतलब कि फुला फुटाव देती है, ठीक है जी, और फसल हमारी बहुत अच्छी होती है। और इस प्रकार से हम जैविक जो है प्राकृतिक खेती वो कर रहे हैं। उसके लिए जो हमारे कीड़ लग जाते हैं, जो रस चूसक होते हैं, तना छेदक होता है, इसके लिए हम अग्निअस्त्र और नीम अस्त्र का प्रयोग करते हैं। नीम अस्त्र में भी हम नीम की पत्तियों का, जैसे हमने गाय का मूत्र लिया, पानी लिया और ये नीम की पत्तियां ली, उनको ऐसे ही रख के ड्रम में हमने उसको तैयार किया और उसका स्प्रे किया। स्प्रे करने से हमारे 5 से 7 दिन के बाद हम उनका रिजल्ट देखते हैं तो वो बिल्कुल हमारे खेत से बिल्कुल गायब हो जाते हैं और हमारी फसल फिर से हरी भरी हो जाती है अच्छी से। किसान कुलदीप बताते हैं कि वो लगभग 2 साल से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। वो बताते हैं कि प्राकृतिक खेती के बारे में उन्हें अपने दोस्त से जानकारी मिली थी। उनके दोस्त ने उन्हें बताया कि प्राकृतिक खेती में रासायनिक पदार्थों का उपयोग नहीं होता, जिससे किसान की लागत भी कम आती है।
जैविक खेती करने से फल और फूल की पौष्टिकता बनी रहती है। इसके साथ ही रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल ना होने से जमीन की उर्वरक क्षमता भी बढ़ती है। जैविक खेती करीब हम 2 साल से कर रहे हैं और इनका आइडिया हमारे भाई हैं औरंगाबाद से, राकेश चौहान जी। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि ये जो आप खेती कर रहे हो रासायनिक खेती, इससे आपको क्या फायदा होता है। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उससे बोला कि मुनाफा कम खर्चा ज्यादा आता है। तो उन्होंने बोला कि आप इस खेती को छोड़ के आप जैविक खेती करो, जिससे आपका खर्चा कम और मुनाफा ज्यादा होगा। और मैंने 1 साल में तो मुझे लगा नहीं था कि मुनाफा होगा, लेकिन जब मैं 2 साल का जो मैंने पहली फसल ली तो मुझे लगा कि हाँ, इसका मुनाफा ज्यादा है। प्रगतिशील किसान कुलदीप रावत बताते हैं कि प्राकृतिक खेती होने की वजह से उन्हें अपनी फसल को बेचने में ज्यादा कठिनाई भी नहीं आती। जो हम ये प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जो हम उगा रहे हैं, हम इनको मंडी तो हम जाते ही नहीं है। हमारे जो भी भाई हैं वो हमारे खेत से ही, जब हम हमसे पहले पूछते कि आपकी फसल कब कटेगी, कब होगा, तो वो पहले ही आ जाते हैं और हमारे घर से ही ले जाते हैं। वो किस तरीके का मुनाफा आपको होता है? मुनाफा एक तो ये है, क्योंकि जो भी है गेहूँ हमारे 2800 रुपए क्विंटल है, जो कुछ भी बिकता है ना, उसका हमें उससे और फालतू हमें मिलता, कहना मतलब ये है। किसान कुलदीप अन्य किसानों को भी जैविक खेती करने की सलाह देते हैं। इसके साथ ही वो हरियाणा सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। कुलदीप कहते हैं कि हरियाणा सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी और अन्य योजनाओं का लाभ उठाकर किसान खेती में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हरियाणा सरकार का हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। और ये कि मैं किसानों को भी अपील करना चाहता हूँ, सभी किसान भाइयों की, वो रासायनिक खेती छोड़ के जैविक खेती का इस्तेमाल करें। सरकार हमारी समय समय पर अनुदान राशि हमें प्राप्त करती है, और भी जो हमारा डिपार्टमेंट है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, ये भी हमें जितनी भी सरकार की स्कीम होती है उनके बारे में बताता है। जैविक या प्राकृतिक खेती की विधि रासायनिक खेती की विधि की तुलना में बराबर या अधिक उत्पादन देती है। अर्थात जैविक खेती मृदा की उर्वरता और कृषकों की उत्पादकता बढ़ाने में पूर्णतः सहायक है। जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत तो कम होती ही है, इसके साथ ही किसान को आय अधिक प्राप्त होती है। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद अधिक खरे उतरते हैं, जिसके फलस्वरूप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा में किसानों को अधिक लाभ होता है। किसान बताते हैं कि वो अपने खेतों में फल और फूलों की जैविक खेती करते हैं। इसके साथ ही सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी का भी किसानों को अच्छा लाभ मिलता है। प्रगतिशील किसान कुलदीप प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए सरकार का धन्यवाद करते हैं। वो बताते हैं कि सरकारी योजनाओं से उन्हें किस प्रकार लाभ मिला है। इसके साथ ही वो अन्य किसानों से भी अपील करते हैं कि रासायनिक खेती को छोड़ प्राकृतिक खेती का रुख करें। मैं सभी किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ और उनसे कहना चाहता हूँ कि आप जो रासायनिक खेती कर रहे हो उसको छोड़ के आप जैविक खेती करो, प्राकृतिक खेती करो। खेती क्या, आप प्राकृतिक अपने घर के लिए या कैसे भी सब्जी लगाओ, फूल लगाओ, फल लगाओ, उससे ये कि हमें मुनाफा अच्छा होगा। हरियाणा के किसानों को प्रगतिशील बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है। साथ ही बागवानी विभाग से मिलने वाले सहयोग से किसान आगे बढ़ना सीख रहे हैं। जैविक खेती से जुड़े किसान आज कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा पाने में सक्षम हो रहे हैं। ये बताता है कि किस तरह से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाएं अच्छे स्केल पर काम कर रही हैं और इससे कितना फायदा प्रदेश के किसानों को हो रहा है। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश का हर किसान खुशहाल जीवन बिता सके और खेती कर अच्छा मुनाफा कमा पाए।
इसलिए तो सरकार कदम कदम पर किसानों की मदद को तैयार है। हरियाणा की मनोहर सरकार के प्रयास आज धरातल पर सफल होते नजर आ रहे हैं। कुलदीप जैसे हजारों किसान आज प्राकृतिक खेती कर आर्थिक तौर पर संपन्न हो रहे हैं और समाज को भी जहर मुक्त अनाज और सब्जियां देकर उनकी उम्र सीमा में भी इजाफा करने का काम कर रहे हैं।